कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपके एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपके लिए लेकर आई है धनतेरस। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते होंगे यह हफ्ता हमारे लिए त्योहारों भरा है। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, कई तरह के त्योहार आएंगे जिसका अलग अलग हमारी जिंदगी में महत्व होता है। तो शुरुआत करते हैं धनतेरस से। जी हाँ, धनतेरस जिस दिन हम अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, तैयारी शुरू हो जाती है हमारे घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए। नए कपड़े, नए सामान, नए बर्तन, कई तरह की नई ज्वेलरी, जिनका हिसाब होता है, आर्थिक स्थिति सही होती है तो कई लोग ज्वेलरी भी लेते हैं कि हाँ, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में पूरे साल भर बना रहे। आप, मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिससे आप धनतेरस वाले दिन करके अपनी जिंदगी की जितनी भी आपकी आर्थिक परेशानी है, पैसों को लेकर आपकी परेशानी चल रही है या पैसों की वजह से आपके कारोबार में किसी तरह से आपको मुनाफा नहीं हो रहा, काम में आपकी रुकावट आ रही है या किसी तरह की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है, तो वो आपकी दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस के कुछ अचूक और सटीक रामबाण उपाय। सबसे पहला उपाय, धनतेरस के दिन आपको 13 दीपक, जी हाँ 13 दीपक लेकर आने हैं। मिट्टी के दीपक आप लेकर आइए, 13 दीपक आपको, जिसमें एक एक सिक्का, या से एक एक सिक्का 1 रुपए का हो जाए, वो आपकी मर्जी है, 5 रुपए का, 1 रुपए का, पर एक ही होना चाहिए। इस तरह से आपको एक एक सिक्का उसमें डालना है। तिल का तेल और पीली सरसों, जी हाँ याद रखिए पीली सरसों, ये आपको डालकर 13 दीपक आपको अपने घर में सब जगह, खासकर जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पे तो आपको जगाना ही है, मंदिर में जगाना है, रसोई घर में, मेन दरवाजे पर, तुलसा माँ के आगे, इस तरह से ये 13 दीपक आपको धनतेरस की शाम को अपने घर में जगाने हैं। इस विश्वास से, इस माँ से प्रार्थना करके इस तरह से कि हे माँ, ये जिस तरह से दीपक की रोशनी हमारे घर में रोशनी कर रही है, वैसे ही आपका आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहे, हमारे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दूर हो, और माँ आप हम पर प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। ये 13 दीपक आपको धनतेरस वाले दिन जगाने हैं। फिर इसी तरह से आपको ये दीपावली वाले दिन भी जगाने हैं संध्या वक्त, पर आपको जो दीपक लेने हैं वह आपके नए होने चाहिए। ये नहीं कि आपने धनतेरस वाले दिन जो जगा लिए वही दीपक आपने दोबारा जगा लेने हैं, इस तरह से नहीं, आपको नए दीपक जगाने हैं दोबारा से। ये तो थे धनतेरस के कुछ उपाय। दूसरा उपाय, आपको 21 चावल के दाने, साबुत दाने होने चाहिए 21, वह लेकर जिस वक्त आप धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा कर रहे हो, उस वक्त आपको ये आपको कार्य सुबह करना है, शाम को नहीं, सुबह ही आपको ये धनतेरस वाले दिन करना है। 21 दाने चावल के लेकर लाल रंग के कपड़े में इसको आपको रख देने हैं माँ के आगे, श्री गणेश जी के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे आपको ये दाने रख देने हैं, और माँ का स्मरण करते हुए माँ के मंत्रों का, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी के मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम श्रीम श्रीमराय नमः, इस तरह से गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जाप करना है आपको, एक एक माला। यही आपको दोबारा से संध्या वक्त आपको करना है, और फिर ये दीपावली वाले दिन भी आपको इसी रूटीन से, वो जो सी पोटली आपने 21 दाने लाल कपड़े में आपने रखे हैं वह आपको मंदिर में ही रखे रहने देने हैं। दीपावली वाले दिन पूजा करके आपको अगले दिन गोवर्धन वाले दिन आपको ये उठाकर अपनी तिजोरी में रख देने हैं, इस विश्वास से कि जैसे मैंने माँ को आगमन किया है, अक्षत के रूप में माँ ने मेरे घर में वास किया है और माँ का स्थायी रूप से मेरे घर में वास हो गया है, इस आपको विश्वास से और आस्था से आपको करना है। फिर देखिए आपके घर में जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वह माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी दूर हो जाएगी।
तीसरा उपाय गोमती चक्र, आप सब जानते ही होंगे क्या मानता है हमारी गोमती चक्र की। आपको 5 गोमती चक्र लेकर आने हैं। जी हाँ, 5 गोमती चक्र धनतेरस के दिन ही आपको लेनी है। 5 गोमती चक्र लेकर उन पर आपको चंदन का तिलक करना है। जी हाँ, चंदन जो हमारे भगवान विष्णु जी को, माई ठाकुर जी को, माँ राधा रानी जी को, सबको बहुत प्रिय है। और चंदन आपको पीले रंग का लेकर आना है और कोरी आपको लेकर आनी है। उसके ऊपर आपको गोमती चक्र के ऊपर आपको पीले चंदन से तिलक करना है और पीले रंग के कपड़े में आपको ये गोमती चक्र सुबह धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी के आगे, गणपति जी के आगे आपको रखने हैं और उनके श्री सूक्त जी का पाठ, जी हाँ श्री सूक्त जी का पाठ आपको करना है 11 बार। 11 बार माँ लक्ष्मी जी के श्री सूक्त जी के पाठ को आपको करके ये गोमती चक्र को अभिमंत्रित करने हैं। फिर संध्या वक्त फिर आपको माँ लक्ष्मी की आरती करके उनके और गोमती चक्र को आरती दिखानी है। इस तरह से फिर दीपावली वाले दिन आपको ये उपाय दोबारा दोहराना है। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये आपको धनतेरस से लेकर दीपावली वाले दिन तक करने हैं। ये जो गोमती चक्र के और जो ये चावल के उपाय बताए हैं और ये जो दीपक के उपाय बताए मैंने आपको, ये तीनों ही उपाय आपको धनतेरस वाले दिन से लेकर दीपावली तक आपको ये उपाय करते रहना है ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। फिर दीपावली वाले दिन अगले दिन जब गोवर्धन होगा, गोवर्धन वाले दिन आपको सुबह पूजा करके इन गोमती चक्रों को पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पे आपको रखना है। इससे आपको अचानक धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपको अचानक धन लाभ होता है। और जब ये आप कर रहे हो तो माँ को अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए। हे माँ, मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर सौंप रहा हूँ। हे माँ, अपनी कृपा आपने जैसे सब पर बनाई है वैसे मुझ पर भी बनाई। मेरी भी जो परेशानी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक स्थिति है, जो भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, माँ मेरी वह दूर कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये थे कुछ उपाय धनतेरस को करने के। अब मैं आपको बताऊं कि आपको धनतेरस वाले दिन ऐसे क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए जिससे आपको माँ लक्ष्मी का असीम प्यार और आशीर्वाद मिले। पहले तो आपको इस दिन आपको साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जी हाँ, साबुत धनिया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा चाहिए आप ले आए, वो आपको जरूर लेकर आना चाहिए। उसको आपको किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख देना चाहिए। फिर आपको दीपावली वाले दिन जिस टाइम आप पूजा कर रहे हो तो उस पोटल को आपको पूजा करते वक्त भी मंदिर में ही रखना चाहिए। पूजा करने वाली जगह पे जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं, माँ दीपावली की, माँ लक्ष्मी, माँ गणपति जी पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको रखनी चाहिए। फिर उसके बाद उस पोटल को आपको किसी हरे भरे, अपने घर में कोई आपके पौधे हैं तो उनमें आपको अगले दिन बो देना चाहिए। जिस तरह से वे जो बीज हैं वह उनमें वो निकलेगा, धनिया निकलेगा या वो पनपेंगे, उसी तरह से आपके घर में खुशी आएंगी। इस तरह की आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिस तरह से ये बीज बोने के बाद इनमें से फूल निकलेंगे, जो धनिया जैसे निकलेगा, जिस तरह से ये बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आपकी जिंदगी में परेशानियां कम होती जाएंगी और खुशियों का आगमन होता जाएगा। ये कुछ टोटका था जो मैंने आपको बताया है। और दूसरा, इस दिन आपको मालूम ही होगा या तो लोगों को मालूम होगा कि आपको झाड़ू लेकर आना चाहिए। जी, झाड़ू आप लोग जानते ही होंगे कि हम सनातन धर्म में हम झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं कि उसकी हम उसको कई लोग तो होते हैं कि भाई हाँ झाड़ू तो ले आते हैं, पर ये नहीं मालूम होता कि झाड़ू को लाकर हमें उसका पूजन करना चाहिए, उस पर मोली लगानी चाहिए, रोली लगाकर उनका पूजन करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि कहते हैं ना माँ लक्ष्मी वहीं पे आती है जहाँ पे दरिद्रता नहीं होती। और झाड़ू क्या काम करती है, हमारे घर के दरिद्रता दूर करती है। माँ लक्ष्मी का वास भी वहीं पे होता है जहाँ पे साफ सफाई होती है। तो इसीलिए हम लोगों में सनातन धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है कि ताकि हमारे घर में जितनी भी दरिद्रता है, जितनी भी परेशानी, पैसों की तंगी है, वह दूर हो, हमारे घर की दलिलता दूर हो।
इसीलिए आपको झाड़ू जरूर लेकर आना चाहिए धनतेरस के दिन। अगर आप कुछ भी नहीं ला सकते तो कम से कम आपको एक झाड़ू जरूर लेकर आना चाहिए, ताकि आपके घर में जितनी भी नाकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, पैसों की तंगी है, वह दूर हो और आपके घर की दरिद्रता दूर हो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय, जो आप शायद कम लोग ही जानते होंगे, माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या वस्तु है, वह है कमल गट्टा। जी हाँ, कमल गट्टा कमल के फूल का ही एक बीज होता है। अगर आप कुछ भी नहीं ला सकते, इतनी सामर्थ्या आप में नहीं है, या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पाते, या टाइम नहीं मिलता, या भूल जाते हैं, या मेरी वीडियो आपने नहीं देख पाई, तो कम से कम आप एक कमल गट्टे का बीज भी लेकर आते हैं तो भी आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद 101% जरूर मिलेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप 108 दानों की कमल गट्टे की माला ले आते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। कर लीजिए ये उपाय और अपनी जिंदगी में पा लीजिए माँ का आशीर्वाद। और जो ये उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय आप अपने तक ना सीमित रख के अपने फ्रेंड्स फैमिली तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, इन उपायों से उनकी वो परेशानी दूर हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं अपनी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप अगर शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो उन तक भी पहुंच पाएगी जिनको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी तरह की भी कोई परेशानी है, तो उस ये जो उपाय है उनसे उनको भी फायदा मिल सके। इसी के साथ आपके एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आकर रहती है। राधे राधे।